अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि 4 महीने से होकर सड़क भी टूट चुका है यार, और उसके साथ साथ पाइपलाइन भी पानी का टूट चुका है। हम लोग कई बार यहाँ की जल निगम के DM के आदेश दे चुके हैं कि पाइपलाइन को सही किया जाए। हम लोग पानी बिना तड़प रहे थे, कड़ी धूप में जो है कि पानी के लिए एक बल्टी के लिए तड़पना पड़ रहा है। पानी मिले तो कैसे नहाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे बताइए। चपाकल मार्केट है ना, मार्केट में हजारों आदमी आते हैं, जब पानी ना मिली तो कैसे नहाकरण जाए। अभी एक और रात के जबरी टैंकर वालों को रोक के तो कैसे कैसे भरा रहा था जनता पिया रहा। बहुत लोगों के अपनी बाजार मार्केट में पानी नहीं। कितने लोग होंगे? आठ नौ चपाकल था, तब उठा दिए कि चपाकल नहीं बचा है। अभी यार की चपाकल से हम लोग पानी पीते हैं, क्या करें। एक हैंडपम्प से कितने लोग पानी पीते हैं? अरे यहाँ कम से कम 10-15 घर लोग पीते हैं। इधर कैसे परेशान, पाइप लाइन टूट गई है, वो सब बहुत अपराध है। और यहाँ सब जनता अधिकारी आए सबसे कहे, सब कोई सुन ही नहीं रहा है, क्या कहे। समस्या तो हो ही गई है, मतलब ये है कि एक आध दिन में जो है एक आध दो दिन में फैसला हो जाएगा, किसके पास रहेगा। अगर हमारे पास रहेगा तो हम एक हफ्ते के अंदर में उसको सही करा दूंगा। अच्छा सर, क्योंकि वहाँ के हैंड पाइप भी टूट चुकी है, लोगों एक दो बार धरने भी दिए थे। ऐसा है कि वहाँ पर जो पाइप टूटी है उसके किनारे लाइन पड़ेगी, लाइन पड़ के सभी लोगों का कनेक्शन भी टूट गया उसी में। अच्छा सर, उसको लाइन जब पड़ जाएगी उसके बाद कनेक्शन लोगों को दे दिया जाएगा तो पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा, तो इसका सर क्या कोई बजट वजट के लेकर रुका नहीं है? नहीं नहीं, बजट में पैसा भी आ गया उसका, ऐसा नहीं है। पैसा जो चीज उल्टी वालों ने दे दिया पैसा। अच्छा सर, पैसा जो 4-5 लाख रुपया उल्टी ने दिया उसको बनवाने के लिए। तो ऐसा है कि जब SCM नए वाले अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर, फिलहाल तो काम मेरे पास है लेकिन हम करा नहीं सकते हैं। अच्छा सर, तो वो नए वाले SCM आएंगे जिसको कहेंगे कि मतलब जो यही रहेगा जिसके एरिया बढ़ जाए मारा हरंगा, जिसके पास जाएगा वो आदमी का है। अच्छा अच्छा, ये सब कब तक हो सकता है सर? आप मान के चले कि 10 दिन के अंदर में ये समस्या सॉल्व हो जाएगी।